गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम आपको एक नई सूचना दे रहे हैं, जो आपकी चार एग्जाम होने थे, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, जीके और मॉरल वैल्यू, उसका हम आपको सिलेबस और डेट शीट भेज रहे हैं। ये दो दिन होंगे, 28 और 29 तारीख, सोमवार और मंगलवार को ये दो दिन एग्जाम होंगे। और आपको 30 छोड़कर 1 तारीख को यहां पर आपकी आंसर शीट जमा करने 9 बजे से 11 बजे तक आना होगा। ये ध्यान रख लो, केवल 1 तारीख। ये नहीं है कि आप लोग पिछले वाले जो हमने आपको टर्मिनल एग्जाम लिए उसकी कॉपियां अभी तक नहीं आई, और अभी तक नहीं आई कुछ लोग बीच में अभी तक देने आ रहे हैं, ये कुछ नहीं चलेगा। और क्योंकि 1 तारीख से रजिस्टर मेंटेन होगा, आपकी अटेंडेंस, प्रवेश शुल्क, प्रवेश जो आपका अगली कक्षा में प्रवेश लेना है, जैसे आप क्लास फोर्थ पास करके आए, फिफ्थ में आप चल रहे हैं, तो फिफ्थ में नाम अंकित होना चाहिए। अगर नाम नहीं अंकित हुआ तो आपका सेशन जीरो जा सकता है। इसलिए विशेष याद रखिएगा कि आप यहां पर आके अपना नाम रजिस्टर कराइए। ये नहीं है कि आप बैठे हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि एग्जाम मैंने लिए और एग्जाम में आपने कुछ कॉपियां आई हैं, कुछ नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? इसलिए आप ये सोचिए, आपका एग्जाम खत्म हो गया, अब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका मेडिकल लगाया जाएगा, ये और ध्यान रखे। इसलिए इस सेकंड जो हम सोमवार को एग्जाम ले रहे हैं, वो है आप एग्जाम की कॉपी अवश्य जमा करने आए, नहीं पता चलेगा कि आपका नाम गया। ये थर्ड राउंड की पढ़ाई हो रही है, 2 चैप्टर निकल गए आपके, आपने कॉपी भी नहीं लिखे हैं अभी तक, इसकी कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन परीक्षा में आएगा। परीक्षा आपकी स्कूल में होगी, स्कूल खुलने वाले हैं, अब कुछ ही दिन जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, चैप्टर 8 है, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जैसे अब हम काम कर रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये क्रिया हो गई ऑनलाइन पढ़ाई। आप पढ़ रहे हैं, वह क्रिया हो गई। तो मींस जिस सबसे किसी काम का करना या होना, करना या होना पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। अब जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तो ये नहाना भी एक क्रिया हो गई। तो मींस क्रिया हमेशा जुड़ती है, कभी ना कभी आप अपने पड़े जीवन में रोजाना कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो क्रिया हो गई। तो फिर से देख लो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, इतना ध्यान रखना है। तो फिर से हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, जिस सबसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाता है, इसकी मूल रूप धातु होती है। अब धातु क्या होती है? ये जैसे खा, खा खा से बनाना है, तो खाना, खाएगा, खा चुका। अब जब, जाना, जाएगा, तो ये धातु रूप से निकलते हैं। अब ये इस दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बहुत से लोग सकर्मक पहले कहते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया है अकर्मक, तो अकर्मक में होगा, ठीक है, मैं आपको सही बता दूंगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अब जैसे काम कर रहे हैं, कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राधा रोती है, तो राधा रोती है, रोना उसकी तो क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। तो जिसमें कर्म नहीं होता है, वह हमारा यानी कि अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है, कर्म होता है, वह हमारा सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राम बाजार जाता है, तो क्रिया क्या कर रहा है? जा रहा है।
कहां जा रहा है? बाजार। तो बाजार उसका कर्म हो गया। तो मतलब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मींस हम चलते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा पर। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म के, बिना कर्म के क्रिया करना। यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका फल किस पर पड़ता है ये ध्यान रखना, इसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि अभी हमने बोला निखिल पढ़ रहा है, निखिल पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कौन पढ़ रहा है? तो निखिल तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म नहीं है। अगर कहते निखिल किताब पढ़ रहा है तो उसका कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो मींस अकर्मक क्रिया हो गई। अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया पर। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया, यानी कि कर्म भी पाया जाए, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता होती है वह अकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे हमने बोला था निखिल किताब पढ़ रहा है, तो ये आपको पढ़ना है। कल हम इसके पहचान कैसे बताएंगे, कैसी होती है, या आप अपनी किताब में पढ़ लेना। और इतना याद रखना है कि आज हम आपको सीट भेजेंगे, सोमवार को आप अपने पेपर की तैयारी करके आप दीजिएगा।